फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हमने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है और वो खाने में बहुत ही मजेदार है। तो नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। आप भी अगर ये मजेदार रेसिपी बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और आलूओं को मैं छील लूंगी। और ये रेसिपी इतनी मजेदार है खाने में, आप अगर इसे एक बार बना के खाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे बार बार ट्राई भी जरूर करेंगे। आलू छीलने के बाद आलूओं को आप ग्रेट कर लीजिए। और ये देखिए, जो मीडियम वाले दांते होते हैं ना, आपको उससे आलू को ग्रेट करना है। ना ज्यादा इन्हें बारीक वालों से करिएगा और ना ज्यादा मोटे वालों से। आलू ग्रेट होने के बाद आप आलूओं को पानी में डाल दीजिए ताकि ये आलू काला ना पड़े। आलूओं को पानी में डालने के बाद गैस पर रख लीजिए कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दीजिए आधा चम्मच तेल। तेल आप कोई सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो जाए तो उसमें आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए। अगर आप जीरा नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। और एक चुटकी हींग डाल दीजिए। हींग से खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाएंगे। और 4 से 5 कलियां लहसुन के बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिए, क्योंकि इस रेसिपी में गार्लिक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और साथ में हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई और 1 प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई। प्याज और हरी मिर्च जब नरम पड़ जाए तब आप इसमें मसाले ऐड कर दीजिए। तो मसालों में मैं डालूंगी आधा चम्मच धनिया, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे और आधा चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच सफ़ेद वाला नमक और 1/4 चम्मच काला नमक। काला नमक अगर आपको नहीं डालना है आप पूरा सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें आलूओं को निचोड़ के डाल देंगे। आलू को अब हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले। और आलूओं को हमें सॉफ्ट होने तक ढक के रख देंगे। 2 से 3 मिनट में आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए आलू देख लेते हैं। आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और आप देखिए कितने आराम से ये मैश हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी ले लेंगे। कटोरी का नाप आप ध्यान रखिएगा। तो इससे हम 3 कटोरी पानी डाल देंगे। 1, 2, 3 और आलूओं को पानी में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक उबाल लेना है हमें पानी में। पानी में उबाल आ चुका है और अब हम इसमें 1 कटोरी, जिस कटोरी से हमने पानी लिया था वही कटोरी हम 1 कटोरी चावल का आटा डाल देंगे। आप चावल का आटा अगर नहीं डालना चाहते तो आप सूजी भी डाल सकते हैं। और ये हमने आधा कटोरी और ले ली है तो टोटल हम 1.5 कटोरी चावल का आटा डालेंगे। पानी हमने 3 कटोरी डाला था और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे 2 मिनट तक ढक के कुक करेंगे जिससे कि चावल का आटा हमारा कच्चा ना रह जाए। 2 मिनट हो गए हैं, एक बार आप इसे चला लीजिए। और अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे आप ठंडा होने दीजिए। तो ये लीजिए, ये ठंडा हो गया है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा मिक्स है पूरा 100% ठंडा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये गर्म रहेगा तभी आप इसको अच्छे से मल पाएंगे। आपको इसको मलना है अच्छे से, जैसे आटे का डो होता है ना, इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, ये डो के फॉर्म में हमारा मिक्स तैयार हो गया है। और अब हमें क्या करना है, हाथ पे लगाना है थोड़ा सा तेल। दोनों हाथों पे अच्छे से तेल को मल लीजिएगा और फिर थोड़ा सा मिक्स लेना है और इसकी हमें एक बॉल बनानी है। तो ये देखिए, बॉल बनके तैयार हो गई। अब हम इसे एक प्लेट में लगाते जाएंगे। इसी तरीके से मैं सभी बॉल बना लेती हूँ। और जब आप बॉल बनाइए तो बीच बीच में तेल हाथ पे जरूर लगाते जाइए, इससे स्मूथ बॉल बनके तैयार होगी आपकी। तो ये लीजिए, मेरी सारी बॉल बनके तैयार हो गई हैं। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गैस पे आप अप्पे मेकर रख दीजिए और पूरे जो खांचे हैं ना
उनमें ऑयल लगा लीजिए, हल्का हल्का आप ऑयल लगाइएगा। बस हमें एक तरह से ग्रीस करनी है और इसमें हम एक एक करके बॉल रख देंगे। आप चाहें तो इन बॉलों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और आप अगर बॉल वाली शेप नहीं देना चाहते ना तो आप दूसरी शेप भी दे सकते हैं। और गैस की फ्लेम लो करके आप इसे एक बार कवर कर दीजिए और 2 से 3 मिनट तक हम इसे एक तरफ से कुक होने देंगे। 3 मिनट हो गई है, चलिए देख लेते हैं। अब इन बॉल्स के ऊपर से आप एक बार ऑयल लगा दीजिए। बस 2 चम्मच तेल में ही आपकी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। और सभी बॉल्स को आप पलट दीजिए। चलिए फिर से कवर कर देते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं और इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना देखने में। तो ये लीजिए, मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार है और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और ये जितनी देखने में बढ़िया लग रही है ना, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है। हम इसे सॉस के साथ सर्व करेंगे, आप चटनी के साथ भी कर सकते हैं और ये दोनों के साथ ही बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।